फाजिलका में भारतीय खाद्य निगम FCI मंडल कार्यालय फाजिलका की ओर से रेलवे स्टेशन के निकट स्थित गोदाम में सर्वहितकारी विद्या मंदिर के विद्यार्थियों का भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फाजिलका मंडल के डिपो मैनेजर सुरेंद्र मिश्रा व मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल श्याम लाल मीना व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्यार्थियों का FCI गोदाम पहुंचने पर स्वागत किया गया। मैनेजर श्री मिश्रा व क्वालिटी मैनेजर श्री मीना ने भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को FCI की कार्यप्रणाली एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में जानकारियां दी। उन्हें मिड डे मील योजना के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें पोषण युक्त चावल के फायदे बताए गए। कार्यक्रम में सर्वहितकारी विद्या मंदिर के 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भारत सरकार की ओर निगम की कार्यप्रणाली जिसमें खाद्यान्न के वैज्ञानिक तरीके से भंडारण तथा रखरखाव और गुणवत्ता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों ने भी भ्रमण के दौरान मन में आए सवाल अधिकारियों से पूछे, जिनका संतुष्टिजनक जवाब दोनों अधिकारियों ने देकर उनकी जिज्ञासा शांत की। छात्राओं की ओर से गोदाम स्टाफ में महिला स्टाफ न दिखने पर सवाल पूछा गया कि क्या महिलाएं यहां काम नहीं करती, तो मैनेजर श्री मिश्रा ने बताया कि गोदाम में महिलाओं की भर्ती कम होती है, लेकिन FCI में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती को पूरी तरजीह दी जाती है। विद्यार्थी इस भ्रमण कार्यक्रम से काफी खुश नजर आए और उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि यहां अनाज के भंडारण, उसके रखरखाव, उसे कीड़ों से बचाने और अन्य रोगों से बचाने के साथ साथ अन्न की कमी वाले राज्यों में भेजने की शानदार व्यवस्था के बारे में जानकर वो बहुत खुश है, क्योंकि FCI के जरिए सरकार देश में कहीं भी अन्न की कमी और महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने FCI के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की भी सराहना की। विद्यार्थियों का नेतृत्व सर्वहितकारी विद्या मंदिर के अध्यापक वासुदेव शर्मा व अध्यापिका बख्शीश कौर ने किया। इस मौके पर गोदाम इंचार्ज अरुण कुमार, मनोज वशिष्ठ, शिवेंद्र कुमार, मुकेश कुमार के अलावा शेखर बादला और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सैंपल लेके यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद इस तरह सैंपल बैग में लिया जाता है, इसके बाद इसकी नमी भी देखी जाती है कि इसमें 12% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, वो इस मॉइस्चर मीटर से देखते हैं। भाई की तरफ से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे सभी का स्वागत करता हूँ। अब मैं बताना चाहूंगा कि FCI का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ। 1965 में हमारे पास फूड ग्रेन की काफी शॉर्टेज आ गई थी, लगभग गेहूं की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई, तो सरकार ने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो जिसके पास इन बफर स्टॉक स्टोर कर सके। उसके तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंडर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद मेन FCI का मोटिव क्या है, मोटिव इसके 3-4 है। सबसे पहला, फार्मर्स को उसकी प्रोडक्शन का पूरा पैसा मिले। कई बार आपने देखा होगा कि फार्मर्स की क्रॉप खराब हो जाती है, कभी उसको बिलो मतलब उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उससे भी नीचे चली जाती है, किसान उसके कारण आत्महत्या करते हैं। तो सरकार ने ये मोटिव बनाया कि जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है कम से कम उसका उचित मूल्य प्राप्त हो। सरकार के द्वारा वो उचित मूल्य डिसाइड होता है और अकॉर्डिंगली हम फार्मर्स को उसकी पेमेंट करते हैं, जिसे हम MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद भारत सरकार के पास एक बफर नॉर्म्स रखे गए हैं कि साल 2 साल तक अगर प्रोडक्शन डाउन भी चला जाए तब भी हमारे पास इतना खाद्यान्न उपलब्ध हो कि कोई भी भुखमरी के कारण मृत्यु ना हो। तीसरा, जब इन्फ्लेशन आता है, देश में महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बफर्स में स्टॉक अगर अवेलेबल होगा तो लोकल मार्केट में हम उसको रिलीज कर देते हैं। जैसे गेहूं के दाम अभी रिसेंटली आपको पता होगा 28-29 रुपए, 30 रुपए तक चले गए थे, तो इससे कारण महंगाई बढ़ गई। सरकार क्या करती है, सरकार के पास हमारे पास जैसे गेहूं और चावल का खाद्यान्न भंडारण होता है, तो हम इसको लोकल मार्केट में रिलीज कर देते हैं कम दामों पर, जिसके कारण महंगाई दर नीचे आ जाती है। मेन ये हमारे 3 मोटिव हैं। उसके अलावा FCI का काम जो है प्रोक्योरमेंट करना किसान के थ्रू हमारी इसमें स्टेट एजेंसियां भी सहयोग करती हैं। हम सेंट्रल की एजेंसी होती है, उसके बाद स्टेट एजेंसीज होती हैं, तो उनके सहयोग से हम खाद्यान्न का पूरा जो है प्रोक्योरमेंट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको गोडाउन में दिखाऊंगा कैसे स्टोरेज होती है, इनको कैसे प्रिजर्व कराया जाता है, साल दो साल तक हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है। आप लोग देखो घरों में हम खाद्यान्न को भंडारित करते हैं ड्रमों में या छोटे स्तर पर कनस्ट्रियों में, उसमें कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है, लेकिन हमारे पास एक ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल होता है,
उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, वो भी कवर्ड गोडाउन के अंदर। यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका हमें बताया गया है, उसके तरह हम उसके तहत इनको हम संभाल के रखते हैं। साल, दो साल, तीन साल तक भी जो है ये खाद्यान्न खराब नहीं होने दिया जाता। अब आगे के लिए अब हम आपको अंदर दिखाएंगे और थोड़ा सा मीना जी जो हमारे क्वालिटी के विशेषज्ञ हैं ये आपको कुछ ब्रीफ करेंगे। क्वालिटी शानदार मीना, आपने अभी शुक्ला जी ने आपको बताया किस तरह से एफसीआई का गठन हुआ और उसके बाद इसकी जो योगदान जो देश के प्रति रहा वो आपको पता ही है कि सर प्राइस कंट्रोल भी रहा और भुखमरी के टाइम पे अपन खाद्यान्न को रिलीज करके प्राइस को कंट्रोल करके भुखमरी को भी हम कंट्रोल करते हैं, प्राइस को भी कंट्रोल करते हैं और किसानों को उचित दाम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो समर्थन मूल्य है उस पर हम खरीद कर किसानों को भी फायदा देते हैं। ऐसा नहीं, आपने पहले पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि व्यापारी होता था वो परचेज कर लेता था अपने पास स्टोर रखता था, फिर वो महंगाई बढ़ने पे अपने माल को बेचता था तो लोगों को क्या है कि वो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता था। उस वजह से ये सारी चीज़ों को देखते हुए एफसीआई का टाइमली गठन हुआ। उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि अंदर किस तरह से हम इतनी उस क्वांटिटी को, इतनी बड़ी क्वांटिटी को किस तरह से हम स्टोर करते हैं, किस तरह से साल भर दो साल प्रिजर्वेशन करते हैं, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, इसकी क्वालिटी को किस तरह मेंटेन किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको हम अंदर बताएंगे। नाम है स्नेहा, आज आपका एफसीआई में विजिट हुआ है आपके स्कूल का, आपके स्टूडेंट्स, आपके जो साथी हैं, क्या कहना चाहोगे आप? हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब पहले कभी सुना नहीं था लेकिन आज यहाँ पे आके पता चला कि एफसीआई नाम की कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जाती है। यहाँ पे जैसे कैसे फूड स्टोर करा जाता है, कैसे यहाँ प्रिजर्व करा जाता है फूड को, उसके बारे में बहुत अच्छा। तो मतलब कि ओवरऑल आप कहें तो कैसी रही विजिट, आउटपुट कैसी मानते हैं आप इसकी? बहुत अच्छी थी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मेरे को तो एक एम ही मिल गया आगे अगर करना हो तो। थैंक यू बेटा। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि मॉइस्चर कैसे चेक करना है कनक का और जो ग्रेन्स वगैरह आते हैं उनकी लोडिंग और स्टोरिंग। थैंक यू। वंश क्या कहना चाहोगे आज की विजिट के बारे में? बहुत ही अच्छी चीज है जी, बैकअप है, जब मार्केट में ग्रेन्स का प्राइस हाई हो जाएगा तो मतलब प्रोवाइड करेगी मार्केट में सेलर्स को और वो जो रेट पहले था वही उसी रेट पे देंगे, मतलब महंगाई रोकने में कारगर है। यस सर। थैंक यू।